देखिए आप बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए आपके, और जो ये प्रश्न है स्वाभाविक रूप से माननीय सदस्य जो प्रतिपक्ष में बैठे उनके प्रश्न है। एक एक प्रश्न के ऊपर सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है तो आप उसको सुने। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सुने तो सही। आप मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी सीट पर चल के जो भी बात कहनी है कहिए। देखिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप पूरी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सीट पर चले, आप अपनी सीट पर चले, वहां पर जो सुसंगत बात होगी वो कहें, मैं जो भी होगा सुनूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप वहां चले, अपनी सीट पर चले। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी सीट पर चले। मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपनी सीट पर चले, आप अपनी सीट पर चले। आप सीट पर गई, आप क्या चाहते हैं? मैं आश्वासन दूंगा ना, कुछ बात तो कहें, बिना बात के क्या आश्वासन आपको दे दूंगा? आप अपनी सीट पर बैठे, आप क्या चाहते हैं? आप बैठे, आप क्या चाहते हैं आप बताइए, मैं आपको सुनूंगा। आप चलो, मैं आपकी सुनूंगा। आप चलिए, इससे अच्छा कि मैं प्रश्न, आप क्या, मैं नियम 311 में मैंने आग्रह कर दिया। आप क्या विषय यह है माननीय मनोज जी, आपने नियम 311 का, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह बात कही कि नियम 311 में कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि ली जाए। मैंने यह निश्चय दे दिया कि नियम 311 में मैं उसको नहीं लूंगा। अब आप क्या चाहते हो, उसके अलावा आपके पास क्या विकल्प है जो आप चाहते हो, इसके ऊपर मैं आश्वासन दूं। माननीय जी, नियमावली में 311 इसलिए रखा गया कि बहुत ही विषय